जागरण जोश अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 13 अप्रैल 2016 से 15 अप्रैल 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षा उपयोगी घटनाओं में से 7 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रमुख नियुक्त। पद्मा सचदेव वर्ष 2015 के सरस्वती सम्मान के लिए चयनित। अवसाद एवं तनाव में निवेश से 4 गुना लाभ अर्जित हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया। साउथ कोरिया की मिंजू पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की। भारत ने K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। केन विलियमसन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चयनित। करंट अफेयर्स विस्तार से। राम बहादुर राय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के प्रमुख नियुक्त। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को चिन्मय खान की जगह नियुक्त किया गया। इस कला केंद्र को केंद्र सरकार द्वारा फंड किया जाता है और इसे 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में स्थापित किया गया था। राय उस 20 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे जिसमें सोनल मानसिंह, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और प्रसून जोशी आदि शामिल हैं। पद्मा सचदेव वर्ष 2015 के सरस्वती सम्मान के लिए चयनित। डोगरी और हिंदी भाषा की मशहूर लेखिका पद्मा सचदेव को 12 अप्रैल 2016 को वर्ष 2015 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया। सचदेव को यह सम्मान डोगरी में लिखी गई उनकी आत्मकथा चित चेते के लिए दिया जाएगा। मेरी कविता मेरे गीत के लिए उन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्हें वर्ष 2001 में पद्मश्री और वर्ष 2007-08 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कबीर सम्मान प्रदान किया गया। अवसाद एवं तनाव में निवेश से 4 गुना लाभ अर्जित हो सकता है, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की स्वास्थ्य इकाई के एक अध्ययन के अनुसार उपचार में निवेश के बाद बेहतर स्वास्थ्य एवं कार्य क्षमता के कारण $4 का लाभ अर्जित किया जा सकता है। स्वास्थ्य एवं अर्थव्यवस्था पर पहली बार किए गए अध्ययन में पता चला कि सबसे अधिक मानसिक रोगों पर व्यय किया जाता है। यह अध्ययन द लैंसेट साइकाइट्री में प्रकाशित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती पर ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016 को पंचायती राज दिवस तक चलेगा। इस अभियान के तहत ग्रामीण भारत के लिए केंद्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी। इस अभियान का लक्ष्य गांवों में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने, पंचायती राज को मजबूत करना और ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देना और गरीबों के लिए किसानों के कल्याण और आजीविका को प्रोत्साहन देना है। साउथ कोरिया की मिंजू पार्टी ने आम चुनाव में जीत हासिल की। इन चुनावों से साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पार्क डयून हे को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साउथ कोरिया की संसद में विपक्षी दल का बहुमत होने के कारण आगामी वर्ष 2017 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टी के उम्मीदवार की जीत की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय असेंबली में पार्क डयून हे की सीनियर पार्टी को 122 सीटें मिली हैं, जबकि मुख्य विपक्षी मिंजू पार्टी ने 123 सीटें जीती। भारत ने K-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। K-4 बैलिस्टिक मिसाइल की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 1.3 मीटर है। इस मिसाइल को पानी के अंदर 20 फीट नीचे से भी फायर किया जा सकता है। 111 मीटर लंबी INS अरिहंत सबमरीन में एक बार में 4 K-4 मिसाइल लोड की जा सकती हैं। केन विलियमसन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चयनित। महिलाओं की श्रेणी में व्हाइट फर्न्स की कप्तान सूजी बेट्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर
2015 चुना गया। पहली बार न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी विलियमसन एवं ब्रैंडन मैककलम इसमें शामिल हैं, जबकि अन्य देशों में इंग्लैंड के बेन स्टॉक्स एवं जॉनी बेरेस्टा एवं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ सहित कुल 5 खिलाड़ियों को इस सूची में शामिल किया गया। विलियमसन एवं बेट्स को विजडन के संपादक लॉरेंस बूथ्स द्वारा चुना गया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।